नमस्कार भाई साथियों, आज एक जरूरी बात है और आपका सहयोग की जरूरत है। आप ये बेटा देख रहे हो, इसे हम नहीं जानते, ये गुलाटी साहब हैं। गुलाटी साहब आपका नाम? जतिन गुलाटी है। इनको ये मॉडल टाउन में बच्चा मिला है और ये बोल नहीं सकता और मतलब सुन नहीं सकता। अब हमें ही नहीं पता ये बच्चा किसका है, कहाँ से आया है, कैसे आया है। ये तो धन्यवाद है छोटे भाई का जिन्हों ये बच्चा मिला और ये हमारे पास अनाज मंडी चौकी में इसे लेके आए हैं। हमने काफ़ी प्रयास किया, भाई ने काफ़ी प्रयास कर लिया, लेकिन बच्चे का अभी तक कुछ पता नहीं लगा है। और आपके सहयोग से, जिसको हमारे कैथल के भाई हैं, कहीं बाहर के हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, ये इसे शेयर जरूर करें ताकि देख कर ये इसके परिवार तक, इसके रिलेटिव तक ये वीडियो जाए और पता लग जाए ये बच्चा किसका है। अभी ये फिलहाल हमारे पास अनाज मंडी चौकी कैथल में है। क्या नाम है बेटे? हैं भाई, ये बोल नहीं पा रहा, इसका नाम नहीं पता है। आप इसे इधर देखो बेटा, इधर देखो, इसका चेहरा पहचान ले। जिसका भी है हमारे पास अनाज मंडी चौकी से आकर आप इसे ले जाएं। और सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, दोबारा देखें और इसे ग्रुपों में जैसे भी शेयर कर सकते हो, इस बच्चे को इसके माँ बाप तक पहुँचाने में मदद करें। और गुलाटी जी लेके आए हैं मॉडल टाउन से, संदीप जी नाम? जतिन गुलाटी भाई, यहीं पर आप सबको ये बच्चा अपने यहाँ चौकी है अनाज मंडी कैथल। अगर हम मतलब बुरे काम को सब लोग शेयर करते हैं, कोई कैसा, ये बच्चा अपने शेयर करने से मतलब ये इतना घबराया हुआ है, ये स्कूटी से नीचे ही नहीं उतर रहा। देख बेटे, देख देख, इस बच्चे को इसके माँ बाप तक पहुँचाने में आप मेरा सहयोग करें। ये मेरे पास है अनाज मंडी चौकी कैथड़, जिसका बेटे इसमें देख, बेटे इधर देख, इधर देख, ये कौन है? तू है ना भाई? सबसे यही कहूँगा, इस बच्चे को ढूंढवाने में मदद करें। आप अगर इसे वीडियो को शेयर कर देंगे, शायद इनके परिवार में, इनके रिश्तेदारी में कोई जानकार हो जो इसे देखकर इसके माँ बाप तक हम इस बच्चे को सकुशल पहुँचा सकें, क्योंकि ये बोलता नहीं है और सुनने में भी इसे मुझे दिक्कत लग रही है कि सुन भी नहीं पा रहा, सिर्फ स्कूटी पे बैठा हुआ है, उतार रहा हूँ तो उतर नहीं रहा। तो सबसे यही कहूँगा भाई, दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके और इस छोटे भाई को, बेटे 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 बेटे, देख ये कौन है, ये कौन है, क्या नाम है तुम्हारा? हैं लक्ष्य है? हेलो, क्या नाम है बेटे? भाई कुछ नहीं समझ पा रहा, और मैं भी अभी तो ले, थोड़ा पीछे होके बैठ, इधर आ जा, ये देख, चले स्कूटी पे घुमाऊं भाई? ये मेरे पास अंदर भी नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों घबराया हुआ है। और दोस्तों, इस बच्चे को इसके माँ बाप तक पहुँचाने में जो मेरे साथी 300-400 साथी बहुत दिनों बाद हम आज लाइव कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं सोशल वर्क या अच्छे काम के लिए ही लाइव करते हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा, इस वीडियो को अगर सभी साथी ग्रुपों में और मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे तो मुझे लगता है हम इस बच्चे को जल्दी से जल्दी इसके मम्मी पापा तक पहुँचा देंगे। क्योंकि रो रहा है यार, ये मेरे पास अंदर ले जा रहा हूँ, तो एक जो होता है ना बच्चे के लिए माँ बाप, मतलब एक बच्चों के मन में भी बैठाया होता है पुलिस के प्रति, तो शायद इसलिए बच्चा घबराया हुआ है। बेटे बिस्कुट खाएगा? बिस्कुट क्या खाएगा भाई? कभी ये गर्दन पैसे ऐसे ही ला रहा है ना, ये पता नहीं क्यों नहीं बोल पा रहा, भगवान या कुदरत का क्या वो है। तो सबसे ये कहूँगा, इधर देख, थोड़ी देर देख ले बस, थोड़ी देर, ये देख, ये फेस इधर रख, ये बेटा है भाई। इस बेटे को आप इसके माँ बाप तक, इस बच्चे को पहुँचाने में मेरी मदद कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ये कैथड़ अनाज मंडी चौकी में मेरे पास है, मेरा मेहमान, और कोई दिक्कत नहीं, आने देंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन मैंने सोचा उससे पहले हम एक प्रयास कर लेते हैं फेसबुक पर लाइव आकर, काफ़ी देर हो गई थी वेट करते हुए। ये गुलाटी साहब हैं मॉडल टाउन में, ये अपनी कोई दुकान पौधों वगैरह का कोई वो करते हैं कारोबार। इन्हें बच्चा मिला, ये काफ़ी ढूंढने के बाद यहाँ आए और ये हम भी काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, शायद कोई आए, लेकिन अब लास्ट में ये
सोचा पहले एक बार हम फेसबुक से लाइव कर लेते हैं, सोशल मीडिया में बड़ी ताकत है और सोशल मीडिया के माध्यम से हम इस बच्चे को इसके मम्मी पापा तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है बेटा। हेलो भाई, मेरे समझ में नहीं आ रहा, ये थोड़ा बहुत बस इशारा करता है। क्या नाम है बेटा, क्या नाम है, ज़ोर से बोलो। नहीं भाई, ये सिर्फ ये स्कूटी की चाबी हाथ में दे दो इसको और घबरा मत, बस ये इतना ही ध्यान कर पाता है। तो आप सबसे कहना चाहूँगा इस बेटे को ढूंढवाने में मेरी मदद करें। भाई तू आ जाओ इसी। ले भाई अपने पत्रकार साथी भी आ गए, आपने लाइव देखा है मलिक साहब। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगा, कैथड़ वाले मेरे जितने भी साथी इसे देख रहे हैं, ग्रुपों में शेयर करें, सोशल मीडिया पे जितने भी 500-700 साथी जुड़े हुए हैं, सबसे यही कहूँगा इसे अगर हम अपने अपने ग्रुपों में डाल दें तो ये बच्चा जल्दी अपने माँ बाप के पास पहुँच जाएगा। और अभी हम चूँकि अनाज मंडी, मैं यहाँ मुंशी हूँ और ये मेरे पास है, बिल्कुल सुकुशल, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने बच्चे की तरह इसे अपने पास रखे हुए हूँ। तब तक अगली कार्रवाई करने से पहले सोच रहे हैं कि क्यों ना बच्चे को इसके मम्मी पापा को से सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम मिला दें। दोस्तों हम सिर्फ 510 आदमी, 20 आदमी अभी जुड़े हुए हैं, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इसे वीडियो को, इधर देख बेटा, इधर देख, इधर देख, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम इस वीडियो को शेयर करेंगे लाइव के माध्यम से तो ये बच्चा बहुत जल्दी इसके मम्मी पापा भाई बहन तक पहुंच जाएगा। और भाई इसका कोई भी रिलेटिव ये वीडियो देख रहा हो तो वो मेरे पास यहाँ चौकी अनाज मंडी में संपर्क कर ले, मेरा नंबर भी है 9496785004, 9496785004। सबसे यही कहना चाहूँगा साथियों, जब भी बच्चे को इसके मम्मी पापा को या इसके रिलेटिव को देंगे तो मैं आपको ज़रूर एक बार बताऊंगा लाइव के माध्यम से कि बच्चा मिल गया है। और सबसे यही कहूंगा कि आप साथियों सोशल मीडिया पे बरम या कंट्रोवर्सी में ना पढ़कर अच्छे और सोशल वर्क में इसे वो करें। हम जितने आदमी अभी जुड़े हुए हैं इस पे लाइव को देख रहे हैं मेरे भाई, इसे अगर हम एक एक दो दो ग्रुप में आगे शेयर कर दें तो मैं मानता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो जाएगी और इसके मम्मी पापा तक ये बच्चा पहुँच जाएगा। सबको नमस्कार, जय हिंद। लट्टी साहब स्कूटी तो फिर तूरे छोड़ जाए, ईमानदार तो कौन काका, तो स्कूटी तो तड़े को नहीं उतरता, वाले स्कूटी उड़ली उड़ने कर, या स्कूटी नहीं खड़ी है पराने, हाँ यह कर दे हमारा लोग खड़ी, इस पर बिठा लूँगा और क्या करूँगा बेटा, उस पर बैठेंगे। तू लिया लोग को नहीं आंधी, जो सी भी पावे तू वह लिया, उसे बिठा लूँगा और क्या करूँगा इसकी, आजा इधर आजा, उस पे बैठेंगे वो अपनी, इस पे बैठेंगे, आजा लोग लग रहे कुछ नहीं करता, इधो उरन उरन दिखा दे थोड़ी सी, क्या नाम है, कुछ नहीं पता, इस पे बैठ जा गुलाटी साहब, मेरा नंबर ले जाओ उस पे, आपने कोई पता लगा तो आप बता दियो, और बैठ बैठ, 9496785004। भाई देख लो इसको, आप शेयर कर दो, अगर इसके मम्मी पापा तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं तो करो, जय हिंद। और जिसे भी कुछ संपर्क करना हो तो अनाज मंडी चौकी में आके कर लेना, 9496785004 मेरा नंबर है और मॉडल टाउन के पास हमारी ये चौकी है, देख बेटा इधर।